दोस्तों, नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है। और दिखावा कितना भी अच्छा हो, खुदा तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। आसमान पर उड़ते हुए परिंदे से किसी ने पूछा, क्या तुझे जमीन पर गिर जाने का डर नहीं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इंसान नहीं जो जरा सी बुलंदी पर अकड़ जाऊं, नजरें मेरी हमेशा जमीन पर ही रहती हैं। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से ज्यादा मुश्किल, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। आंख दुनिया की हर एक चीज को देखती है, जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। उसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नजर नहीं आते। ये कभी मत सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल क्यों नहीं करता। ये शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सजा फौरन नहीं देता। दुनिया सिर्फ उनकी ही खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में हैं उनके मोबाइल नंबर तक खो जाते हैं। कोई भी फैसला गुस्से की हालत में ना करना, क्योंकि उबलते हुए पानी में अक्स दिखाई नहीं देता। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाजी से, और कभी गलत फहमी से। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे के जानिब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर का बीज बो दे। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांग लेने के बावजूद उसे दुख जरूर रहेगा, जैसे दीवार में लगे कील को निकालने के बावजूद निशान रह जाता है। दो चेहरे इंसान को कभी नहीं भूलते, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना तुम्हें किसी दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। माफ करने की आदत और हौसला पैदा करो, ये तो अल्लाह का करम है कि उसने इंसान के गुनाहों की पर्दापोशी की। अगर तुम्हारे दरमियान एक दूसरे के गुनाह जाहिर हो जाते तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करते। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता।